नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। एक पैर नहीं होने के बाद भी इंदौर शहर का एक युवा मैराथन में न सिर्फ दौड़ता है बल्कि अवार्ड भी जीतता है। देश के अन्य प्रोफेशनल मैराथन में हिस्सा लेने के लिए कृष्णा को आर्टिफिशियल लेग लगवाना है, जिसके लिए कृष्णा की मां ने इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से आर्थिक मदद की गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की। मेरा बेटा कृष्णा काटे जो मैराथन भी दौड़ता है और स्पोर्ट्स भी खेलता है, स्कूल और कॉलेजों में मोटिवेशनल स्पीच भी देता है, जो कि आज की युवा पीढ़ी के लिए। उसने जो 5 वर्ष की उम्र में अपना पैर खोया और संघर्ष करके जैसे वो आगे बढ़ा है, आज मैराथन भागता है, लोग उसे देख के प्रेरणा लेते हैं, तो वो प्रेरणादायक है, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, आम जन के लिए वो प्रेरणा है। लेकिन मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो मैं उसका जो आर्टिफिशियल लेग होता है तो वो मैं एक स्पेशल डॉक्टर से बनवाती हूँ, जो कि बहुत महंगा पड़ता है, करीब इस बार भी उसका 2 लाख से ऊपर का बन रहा है। तो मैं जो भी हो सके कलेक्टर साहब से उनसे थोड़ी सी मैं मदद मांगने के लिए आई थी, जो उन्होंने मेरी मदद की है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनसे उन्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि बच्चा अगर मेरा इस लायक बना तो वो भी आगे चल के बहुत लोगों की हेल्प करेगा, यही शिक्षा मैं भी उसे दे रही हूँ, धन्यवाद। बस ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।